ज्या बातम्या येत आहेत, जे काही कानावर पडत आहे, आपल्या मुलांना ताब्यात ठेवण्याची जबाबदारी आईवडिलांची असते. लहान पोरगा गाडी घेऊन बाहेर पडतो, त्याच्या हातात चावी द्यायची की नाही हे वडिलांनी आणि आईने डिसाईड करायचं असतं. ह्याच्यात त्या मुलाची चूक कमी आणि आईवडिलांची चूक जास्त आहे. आपला पोरगा किती वाजता घरात आला पाहिजे, तो कुठल्या स्थितीत आहे हे बघण्याचं काम आईचं असतं. त्याच्यामुळे त्याच्यावर ज्या त्याच्याबरोबर जी पोरं पार्टी करत होती, त्यांच्या वडिलांनी पश्चाताप करून घ्यावा. मला कोणाचं नाव नाही घ्यायचं आहे. नहीं, ऐसा है, ऐसा है कि एखादा ट्रक वाले के एक्सीडेंट जो होते हैं, ट्रक वाले की कोई गलती नहीं होती है. हम हाईवे क्रॉस करते हैं, हाईवे क्रॉस करने का अधिकार किसी को नहीं होता. वो बेचारा ट्रक वाला आता है 60 के स्पीड में, वो ब्रेक नहीं मार सकता क्योंकि पीछे उसका बहुत बड़ा बोझ होता है, आदमी मर जाता है. लोग ट्रक वाले को ही मारते हैं और ये सरकार ने उसकी सज़ा 10 साल के लिए कर दी है. उसको जामीन मिलाने को अब 3 महीना लगेगा. ये एलीट क्लास को एक न्याय और गरीब को एक न्याय, ये भारत में जो हो रहा है ना, वो ही गलत है. कितने इल्लीगल पब्स है, कितने इल्लीगल पब्स है, उसके ऊपर कुछ कार्रवाई. देखो, मेरे को एक माँ, मैं प्राजक्त तनपुरे को इसमें बाजू में हटाऊ, प्राजक्त तनपुरे में का इससे कोई लेना देना नहीं है. एक माँ को ये दुख होता ही होगा कि इसी बच्चे लोगों ने मेरे बच्चे को मारा था, तो व्यथित हो कि वो बताएगी ना, यही बच्चा था इसने मेरे बच्चे को मारा था. उसमें कोई उल्टी उसकी गलती नहीं. एक माँ है, वो उस माँ का दिल बोल रहा है और इतना सताया कि उसने स्कूल बदली करके ले लिया. ये आप ये इसके बारे में सोचो कि ये गैंग जो थी, ये गैंग इतनी खतरनाक थी कि उस लड़के को स्कूल छोड़ना पड़ा. ये प्राजक्त तनपुरे की बात नहीं है. एक माँ जिसने एक स्कूल चुन के उसको वहाँ डाला था, उसको स्कूल से निकाल के उसको दूसरे स्कूल में डालना पड़ा, ये माँ को दुख नहीं होगा? तो माँ ने दुख प्रकट कर दिया कि यही वो लड़का है. यानी ये लड़का पहले से ही थोड़ा सा मस्तीखोर था, मस्ती करता था. नहीं नहीं, नाका नहीं, ऐसा नहीं है. बेसिकली टाइमिंग्स ऑफ बार एक के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा. एज, कौन से एज के लड़के दारू पी रहे हैं, उसके ऊपर एक्साइज डिपार्टमेंट को ध्यान देना पड़ेगा. इल्लीगल बिल्डिंग में बार की परमिशन मिलती कैसी है? अगर इल्लीगल बिल्डिंग में बार देने का ही नहीं है कानूनन एक्साइज को, तो बार की परमिशन दी किसने? और पुणे में ऐसे 100-200 बार है जो इल्लीगल बिल्डिंग में है, उनको कोई अधिकार नहीं है बार लाइसेंस मिलाने का. और पूरे महाराष्ट्र में कहीं पे भी पब खुल रहे हैं, बार खुल रहे हैं, और इसको एक्साइज डिपार्टमेंट लाइसेंस दे रहा है जो एक्साइज डिपार्टमेंट का अधिकारी नहीं है. अगर वो फॉरेस्ट एरिया है, अगर वो साइलेंस जोन है, अगर वो नेशनल पार्क का इलाका है, तो आप वहाँ पे
लाइसेंस दे कैसे सकते हैं अगर म्युनिसिपैलिटी का प्लान पास नहीं है, उसको फायर की एनओसी नहीं है, तो आप बार को परमिशन कैसे दे सकते हो? अगर किसी को चाहिए तो चलो मेरे साथ, मैं आपको बार में ले चलता हूं और दिखाता हूं सब। किसी एक्साइज के ऑफिसर्स को मंत्रालय में बैठे हुए उनको अगर चाहिए तो आज शाम को नहीं तो कल शाम को मेरे से मुलाकात कर ले, मैं 10-12 बार घुमाता हूँ उनको और दिखाता हूँ ये कौन से एरिया में, इसकी लीगैलिटी क्या है बताओ। सब मालूम होते हुए भी लोक प्रतिनिधि सिर्फ चिल्लाते रहते हैं, कोई अधिकारी को कुछ पड़ी नहीं है। मस्त पैसा जमा होता है, एक्साइज का जितना पैसा आता है शायद ही किसी डिपार्टमेंट में इतना करप्शन है। इलीगल बिल्डिंग्स में तुम लोग बार लाइसेंस देते कैसे हो? जिस बिल्डिंग का प्लान ही नहीं मंजूर उसमें तुम बार कैसे देते हो? अरे एक इंडिविजुअल शॉप बन गया और उसको कोई परमिशन नहीं है तो तुम बार कैसे देते हो? तो कल तो ऐसा कर दो कि कोई रास्ते पे पूछ रहा है, 4 बेंचेस डाल दिए, 4 कुर्सियां डाल दी, बियर की विस्की की बोतल लगा दी, दे दो उसको बार की परमिशन। ये लंबा विषय है, मैं इलेक्शन कमीशन के लिए आया हूँ, बार के लिए नहीं आया हूँ, नहीं तो मेरा इलेक्शन कमीशन का विषय बार बाजू में जाएगा और बार का विषय आगे आ जाएगा। देखो मेरे को उस पर बात ही नहीं करनी है, मेरे को इलेक्शन कमीशन की जो गलतियां हैं उसके ऊपर ही बात करनी है, ताकि इलेक्शन कमीशन के और महाराष्ट्र के नज़र में आ जाए कि ये जबरान ज़बरदस्ती ये गलतियां की गई हैं और इसके लिए जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। अरे उसको अरे जैसा मैंने बताया कि कोई भी मतदार यादी ये 500-750 के आगे जानी ही नहीं चाहिए, ढूंढेंगे कैसे लोग? ये फाइनल यादी अर्जी भरने के पहले हाथ में आनी चाहिए। आप 8-10 दिन पहले फाइनल यादी हाथ में देते हो तो लोग काम कैसा करेंगे? इसके ऊपर बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है, हर एक एड्रेस ढूंढना कर पड़ता है, क्योंकि जिम्मेदारी तो इलेक्शन कमीशन के लिए है, लेकिन चिट्ठियाँ पहुँचती नहीं है। चिट्ठियाँ अगर पहुँचेगी नहीं तो उसको मालूम नहीं पड़ेगा कि उसका मतदान केंद्र कहाँ है, उसको कौन सा स्कूल में जाने का है। उसको पता करवाने के लिए इलेक्टोरल पॉलिटिकल कार्यकर्ता को उसके घर पर जाना पड़ता है। अच्छा है ना, जो हुआ वो अच्छा के अच्छे के लिए हुआ, जो हुआ अच्छा ही होगा। आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू द नोटिस ऑफ द इलेक्शन कमीशन द मिस्टेक्स विच हैव बीन डन बाय द इलेक्शन कमीशन। A voting list has to be somewhere near 500 to 700. A voting list with proof I am giving you, which is more than 1500. I have brought 4 papers, means 4 lists, which are more than 1500. 1500 in one room, in one machine, is impossible to complete. And therefore, voting percentage has fallen down. People stood in the line for 4 hours. And yet could not vote. There was no ventilation in the room. There was no ventilation outside. In my constituency, 149 Kalwa Mumbra, nearly 12 people fainted because of exertion, dehydration. And yet
the election commission had no provision for ambulance, no provision for doctor, there were no fans, there was no ventilation. The second proof which I am giving is, there is one area called Rashid compound in Mundra. Nearly 4,000, there were nearly seven list approximately comes to 6,000. The address was only written as Rashid compound. Where should we search them? Election commission some years back had declared that poll cheats is not the responsibility of the political parties, but we will distribute poll cheats to the voters for voters to understand on which booth they have to reach and where is the booth. Not even 20% of the slips were distributed by election commission. Is election commission not responsible to all this? I point my fingers towards the election commission for the voting percentage which has fallen down in Maharashtra. If Assam can have 78%, if Tripura can have 82%, if Jharkhand can have 75%, Maharashtra lies only for 52, 53, 54. That is because of this. And I think I have come on the second day after the voting has been completed. I have not come for any political reasons ki main haar raha hu, main jeet raha hu, main umidwari nahi hu. I am not a candidate. But I have to bring to the notice of the election commissions the mistakes which they have done. And at least they should have the politeness, responsibility towards the voters and then improve in the next elections, which are just 3 to 4 months away, the member of Legislative Assembly, Vidhan Sabha, which are just 4 months away. They have to take time and effort now to improve all this. And I would like to tell them that not a single list should be more than 750. The polling booth should not be 1 kilometer away, not more than 1 kilometer away. The room should have proper ventilation. The areas in which the voters stand should have proper ventilation, because in my area, because of the heat and humidity, 12 people fainted and had to be admitted in the hospital. If there wouldn't have been political people over there, what would have been the condition of the voters who fell down? There was nobody from the election commission to take care of them. And it is said in election commission that the comfort of the voters is the responsibility of the election commission. 1500 people in one list, in one room and one machine. Under any mathematical calculations, if a person takes 2 to 3 minutes for one vote, only 30 votes will be polled in 1 hour. So in the next 9 hours or whatever, 13 hours of voting, not 6, 11 hours of voting, 330 votes will be polled out of 1500. That is not even 25%. So this is the failure of the election commission and hurts the right of the voters to vote, the fundamental right as per the constitution. आल्यावरती मी त्याच्यावर काय बोलावं म्हणजे माजी केंद्रीय मंत्री यांनी तिथे उभे असलेल्या एका इतर मागासवर्गीय कर्मचाऱ्याला शिव्या देणं हे मला वाटतं अशोभनीय होतं. कारण काय ते पोलिसांची काहीच चूक नसते. इलेक्शन प्रोसेसमध्ये पोलिसांचं काय कामच नसतं.
फक्त उभं राहणं एवढंच पोलिसांचं काम असतं. तेही उन्हातानात एवढ्या 47 डिग्री टेम्परेचरमध्ये ते बिचारे पोलीस उभे होते. आणि मी आजही सांगतो, पोलिसांचं इलेक्शन कमिशन इलेक्शनमध्ये काही काम नसतं. राजकीय हस्तक्षेप सत्ताधारी करायला लावतात म्हणून पोलीस येतात, नाही तर पोलीस कधीही इलेक्शन कमिशनच्या लपड्यात येत नाहीत. हे वर्ण दबाव येतात, हे तिथे याला बाहेर काढा त्याला बाहेर काढा, त्याच्यात नाही लपडी होतात. सत्ताधारी पक्षाचे 20-20 कार्यकर्ते एखाद्या बूथमध्ये घुसतात आणि विरोधी पक्षाचा एक माणूस गेला की त्याला हात धरून बाहेर काढतात. हे चालतं, हे काही इलेक्शन स्ट्रॅटेजी आहे, हे भोगावं लागतं तुम्हाला. त्याच्यातनंच जिंकण्यात मजा आहे ना.